नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पटना आए हुए थे, उन्होंने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया है और छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। एनआईटी के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। उन्होंने साथ साथ सलाह भी दिया है कि आप ही देश के भविष्य हैं, आगे बढ़िए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद बिहार आना बहुत ही सुखदायी है मेरे लिए। जिस तरह से आप तस्वीर लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने संबोधन भी दिया है आप देख रहे होंगे लगातार अपने स्क्रीन पर, और वो तस्वीरें जो हम आप तक साझा कर रहे हैं पटना के ज्ञान भवन से सीधा ये तस्वीरें हम लेकर आए हैं आपके लिए। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज एक दिवसीय बिहार दौरा था, इससे पहले वो समस्तीपुर भी गए थे जहाँ पर उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। ट्विटर हैंडल पर भी उन्होंने अपनी तस्वीरें साझा की हैं, किस तरह से ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते होंगे। और उन छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कितना अच्छा है ये कि खुद राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया, उनके कार्यक्रम में आए हुए थे। साथ साथ इसके साथ ये कामना की जा सकती है कि देश का भविष्य अच्छा ही होगा, गौरवमयी होगा। साथ साथ रामनाथ कोविंद का यह दौरा बिहार में कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। भारत लाइव टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम हर पल हर खबर के साथ आपको जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद। फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।